के क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि में तेजी भी आएगी। बिहार सहित पड़ोसी राज्यों झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत बिहार के सभी 45,000 सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 43,03,043 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 79.68% हो गया है। देश में कोविड मृत्यु दर घटकर 1.61% रह गई है। कर रहे थे, सारे माइक्स तोड़ डाले थे और माइक्स तोड़ करके हाथ में लेकर के, और एक तरह से वायलेंट अप्रोच था उनका। उस समय अगर वो वायलेंट थे तो उसमें अगर वो किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री डेकोरम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है। और बार बार जो है वो वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अगर डिवीज़न चाहते हैं तो आपको अपनी सीट पर जाना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया। बल्कि जैसा कि आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि वो तो जो हमारे जो राज्यसभा के स्टाफ के लोग थे उनकी मेज पर थे, एक दूसरे की कंधों पर जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि में तेजी भी आएगी। बिहार सहित पड़ोसी राज्यों झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत बिहार के सभी 45,000 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व अ रोड लेंथ ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर। दीज रोड्स विल एनहांस बेटर कनेक्टिविटी, convenience and economic growth in and around the states. All rivers in Bihar will have bridges conforming to 21st century specifications, and all major national highways will stand widened and strengthened. Besides this, Prime Minister will also launch a project to connect all the villages of Bihar through optical fiber internet. This will be an important step towards bringing digital revolution in Bihar. It is a prestigious project covering all 45,945 villages of Bihar. Prime Minister said that in the coming years, all the villages and homes of Bihar will be connected through internet.